दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा स्वागत करता हूं किसान की लाइफ यूट्यूब चैनल पर। और आज आ गया हूं मैं स्प्रेमैन के स्टॉल पर, मनीष जी के पास आ गया हूं। जो मनीष जी नए नए आविष्कार करते रहते हैं, बधाई के पात्र हैं किसान भाइयों के लिए। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का अभिनंदन है, आदाब सलाम सत श्री अकाल। तो मेरे किसान भाइयों, जैसे कि शर्मा जी यूपी से पधारे हैं, तो आज खुल के हम लोग जो है बातचीत करेंगे। बताइए, नया आविष्कार आपने फोर व्हील ड्राइव चार पहिए वाला जो पावर ट्रेलर तैयार करा है, ये अब इसके बारे में जानकारी दो, लाइटें लगा दी बेहतरीन। जी जी, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने कराया है, हाँ। शर्मा जी, आपने हर से सानेवाल मेला में लुधियाना में, हाँ। एक वीडियो इसी प्रोडक्ट की बनाई थी, जो कि मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट की R&D थी, हाँ। इसके अंदर अब वो वीडियो इतने लोगों ने पसंद करी, इतना प्रोडक्ट पसंद करा, बट उन किसानों का उसके बाद कुछ रिव्यू था। रिव्यू ये था कि भाई बाकी प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, एक तो आप इसके अंदर अंधेरे में लाइट नहीं है, रोशनी का प्रबंध करो, तो मैंने ये लाइट लगा दी है जो बैटरी लगाते ही चल पड़ती है। और मेरे किसानों भाइयों का अगला सुझाव था, उस प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे टायर है वो पीछे से कटते थे, अच्छा। और इसके अंदर वो उनका सुझाव था कि जो स्टेयरिंग है, जैसे बड़े ट्रैक्टर का आगे से काट दिया जाता है, अच्छा। आपका ट्रैक्टर के अंदर भी वैसा ही होना चाहिए, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, अच्छा। तो मैंने वो करा, तो उनकी बात मानी, वाकया में ही उनकी बात सही थी और मेरे प्रोडक्ट के अंदर डबल ताकत आ गई। अच्छा, ये हैंडल तो बिल्कुल जैसे बड़ा ट्रैक्टर में होता है, पावर स्टीयरिंग में आपने कर दिया ये। अब जैसे क्या इसकी ये एक्सल वगैरह सिस्टम आपने तैयार करी है ये? जी जी जी, ये भाई साहब बड़ी शानदार लग रही है, इसकी क्या क्वालिटी है बताइए? देखो, क्वालिटी के अंदर तो हम समझौता नहीं करते, सबसे अच्छी क्वालिटी के क्रोन ओपिनियन क्रॉस जहाँ जितनी भी इसकी शाफ्टें हमने चूज करी है, क्योंकि तो इन्हीं के ऊपर इसने चलना है, इन्हीं के ऊपर स्टेयरिंग काट रहे हैं। और दूसरी चीज आ जाती है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, और इन्हें इसके अंदर देखो कितना हैवी लोहे के पूरी गार्डर लगा दिए है, और अगर इसके पीछे के टायर करे, पीछे ये R1 गुड्डी के टायर दे दिए है, बिल्कुल। और पीछे मैंने PTO निकाल दी है, PTO का जी जी, इस PTO को जोड़ते हुए, हाँ। आप स्प्रे पंप चला सकते हो, इस PTO को जोड़ते हुए आप वाटर पंप चला सकते हो, इस PTO को जोड़ते हुए आगे चल के मेरी R&D की आप मशीन तैयार है, जो कि फील्ड के लिए चलने को तैयार है। जैसे ही गेहूं की फसल कटेगी, हम इसके आगे रीपर लगा दिया, इसके आगे लग जाएगा जी, इसके आगे रीपर लगा दिया है, हाँ। जो कि किसान इसके ऊपर बैठ के अपनी धान की गेहूं की कोई भी क्रॉप जो है वो काट के एक साइड पे गिराएगा। अच्छा, अब जैसे कि हम इसमें रोटावेटर जोड़ेंगे ये जी, तो ये मुझे लगा टायर तो उस टाइम हटा देंगे जी, खेत जी, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, ये आपने बिल्कुल उचित जो जो सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है, आपने एक पिन निकालनी है, हाँ। ये टायर निकाल देने है, यहाँ पे 4 फुट का रोटावेटर लगा देना है, अच्छा। जो कि पूरी जमीन के अंदर दुस्ता जाएगा और पूरी आपकी जमीन जो है वो वीडिंग करेगी, जैसे कि मेरे पावर टिलर के ऊपर पीछे चलना पड़ता था, अब पीछे नहीं चलना, आपको ऊपर बैठ के इसकी जुताई करना। अब जैसे क्या रोटावेटर इसमें टायर लग रहा है, टायरों पे तो इस टाइम ये ट्रैक्टर एक सार है, लेकिन जिस टाइम रोटावेटर जाएगा तो उस टाइम ये धसेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं धसेगा, ये मेरा वादा है आपसे, हाँ। मैंने खुद अपने खेत के अंदर इसको ड्राइव करके देख लिया, अच्छा। चला कर देख लिया है, गैप कोई भी आपने नीचे से गैप कितना दे दिया? ये रोड क्लीयरेंस लगभग लगभग 20 इंच के करीब हमने दी है, और आगे चल के हम इसके अंदर और भी मेरे किसान भाइयों के जो सजाव आएंगे वो इसके अंदर चेंजिंग होती रहेगी। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कोई मोटा व्यक्ति है, सीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितना वजन झेल लेगी? मेरे हिसाब से शर्मा जी, आपसे मोटा कोई किसान होगा नहीं, फिर भी आप आइए, अरे आप बैठ के देखिए, मैं आपसे बाहर की रोटियां खा के थोड़ी तंदूरी खा के पेट निकल, अरे जैसे आप बैठ गए हो, आपको बैठने में दिक्कत तो नहीं है? आनंद आ रहा है, अरे ऐसा ही जो 90 किलो का या 100 किलो का मेरा किसान होगा, बड़े आराम से बैठ के इसको चला लेगा। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे क्या इसमें रोटरी भी आपने सेट कर दी बिल्कुल जो है जी, क्या इसमें सब्सिडी का प्रावधान पावर टिलर, जैसे क्या ये मुझे लग रहा है 12 HP पे आपने अटैचमेंट किया ये? जी जी, तो 12 HP पे सब्सिडी मिलेगी या इसका रिसर्च चल रही है सब्सिडी पे? शर्मा जी, मेरा जो पावर टिलर
9 एचपी का होंडा का है, अगर आप वो लोगे, मैंने इसको इसके आगे ही अटैचमेंट छोड़ी है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं पावर डीलर का आपको बिल काट के दूंगा तो आपको सब्सिडी पूरे भारतवर्ष में मिलेगी। उस मशीन की मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है। अभी अगर इस पूरे प्रोडक्ट की आप बोलो तो अभी तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से 6 महीने के अंदर रेडी करा है। अभी इसकी टेस्टिंग बाकी है एफएमडीटीआई से। अगर वो वहाँ पे ये ओके हो जाता है तो हम इसको आगे चल के सब्सिडी के ऊपर ले आएंगे। मतलब कहने का ये है जो एफएमटीटी ने जो पास करना हो तो 6 महीने बाद करना है। बिल्कुल नहीं, नहीं, लेकिन जो पावर मीटर पे जो जो सब्सिडी मिलती वो आपको अगर मैं बिल्कुल मैं अगर पावर वीडर का आपको बिल दूंगा, पावर वीडर ही दूंगा, तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलना निश्चित है। अच्छा, ये मेरा जो किसान लेगा उसको पावर टीलर का सारा सामान मिलेगा। पावर टीलर भी वो अगर वो बोले कि मेरे को फोर व्हील नहीं करना है तो इसको ऐसे करके चलाना है तो ये हैंडल वेंडल सारे में साथ में देने वाला हूँ। अच्छा, आपने आगे की अटैचमेंट अलग कर देनी है तो उस टाइम ये पावर डीलर बन जाएगा। अच्छा, ये तो इसी पे अटैचमेंट किया है आपने, इसी को मैंने छोड़ा है। जो मेरा किसान इसको इसको जहाँ से खोल देगा जी, इसको इंजन को जहाँ से खोल देगा, ये 4 मिनट खोल देगा तो ये आगे की अटैचमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगी। देखो जी, और जैसे आप बताओ और उसके बाद आपने वही हैंडल उठा के यहाँ लगा देना है तो वही ये मेरा पावर टिलर बन गया। मैं ना किसान से धोखा करूंगा ना सरकार से धोखा करूंगा, मैं पावर टिलर ही दूंगा उसको और पावर टिलर का ही बिल दूंगा, वो अटैचमेंट का बिल अलग दूंगा। अच्छा, अभी बताओ, देख जैसे हमारा दिल है, आपका दिल है, ये धड़कता स्वस्थ होता मजबूत होता ना तो बिल्कुल हमारा शरीर बढ़िया चलता। ऐसे ही इसका दिल है इंजन जी, इंजन की क्वालिटी क्या आपने इसमें रखी है? और इंजन बढ़िया होगा तो साहब ये तो ट्रैक्टर बढ़िया ही होगा। जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है और मेरे दिल की बात छीनी है आपने। देखो किसान भाइयों, मेरे को इस प्रोडक्ट को आपकी कॉस्ट के अंदर रखना था और अभी मेरे को इसके ऊपर R&D ही करनी थी। इंजन मेरा ये भी 9.5 HP का है और ये मेरे अपने OEM का लोकल में तैयार करा हुआ इंजन है। अगर मेरा कोई किसान भाई इसके अंदर आज की डेट में बोले कि आप होंडा का 9 HP का इंजन लगा दो, आप होंडा का 12 HP का इंजन लगा दो, और जो अगर कोई बोलेगा कि इसके अंदर कोलर का इंजन लगा दो तो मैं वो भी लगा के दे दूं। मतलब जो किसान चाहे तो कोलर का भी आप इसमें लगा सकते हो, उसकी कीमत मेरे को पे करो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत नहीं, इंजन के अंदर प्राइस के अंदर अगर हम लोग इसी के अंदर इंजन होंडा का लगाएंगे तो 22-23 हजार का अंतर आएगा। अगर इसी के अंदर हम इंजन कोलर का लगाएंगे तो 40 हजार का लगभग अंतर आएगा। वो इंजन की कॉस्ट और इंजन की क्वालिटी के ऊपर है। अगर मैं पूरी मशीन की बात करूं, पूरी मशीन की आपको मैं ये रोटरी देने वाला हूं, ये कल्टीवेटर देने वाला हूं, और अगर मेरा किसान भाई के अंदर अब प्राइस की उत्सुकता होगी तो उसके लिए इसका कोई 1.5 लाख नहीं है, कोई 2 लाख नहीं है, कोई 3 लाख नहीं है, मात्र 1,30,000 के अंदर मैं अपने किसान को देने वाला हूँ। मेरे ख्याल से सरकार सब्सिडी दे ना दे, मैंने अपनी जेब से आपको सब्सिडी दे दी। अब सर, जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि बागवानी खेती करते हैं हम, कपास की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, क्या उसमें होता है इतने उसी पे टायर पे जो है हमारा जो खेती होती है और कल्टीवेटर हमें फसल के बीच में निकालना पड़ता, तो बड़ा ट्रैक्टर तो उस टाइम क्या होगा हमारी फसल को तोड़ देगा, लेकिन ये कल्टीवेटर की अटैचमेंट मुझे इतनी बढ़िया लग रही है आपकी जो है। जी जी, ये गन्ने को बहुत बढ़िया सफाई करेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप इसके अंदर इन्हीं टायरों को लगाकर, ये कल्टीवेटर लगाकर आप गन्ने की बुआई करो, आप उसी भी क्रॉप कल्टीवेशन जिसके अंदर इंटरक्रॉप कल्टीवेशन करनी है, जिसकी चुड़ाई मात्र इतनी है, अगर आप ये टायर भी अंदर करना चाहते हो तो इसकी भी प्रोविजन है इसको और अंदर करने की। अच्छा जी, इसकी गारंटी क्या रहेगी, सर्विस की हमारी 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी। आपको मात्र इसका इंजन ऑयल, गियर ऑयल वो टाइमली चेंज करना है, बाकी कोई भी आपको 1 साल के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है तो मेरी कंपनी की तरफ से आपको जो भी इसका पार्ट डैमेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला। अच्छा, देखो जी, इतना मुझे भरोसा है वाकई, जो आपका प्रोडक्ट सामने खरीदा नहीं, जी कमेंट जो आते हैं बिल्कुल पॉजिटिव आते हैं और बैड कमेंट मैंने देखा नहीं आपका। हम जब कभी गलती करते नहीं है, हम अपने किसान से धोखाधड़ी करते नहीं है तो वो बैड कभी डालता नहीं है, और 1-1% हमसे भी गलती होती है तो हम उसको तुरंत मान लेते हैं कि भाई आप बताओ क्या करना है, गलती तो हुई है। अच्छा जी, और ऐसा नहीं है कि आप ही गलत हो। जो किसान भाई लेना चाहता है, कंपनी आना चाहता है, वो कैसे ले सकता है? वो उसके आने का यही तरीका है, वो नीचे दिए हुए नंबरों पे पहले कॉल करे और हमारी लोकेशन मांगे। हमारी एक फैक्ट्री अहमदगढ़ में
जो पुराने पिछले 32 साल से है, और दूसरी फैक्ट्री है वही हमारी लुधियाना के अंदर गिल विलेज के अंदर चालू हो गई है, जो कि पिछले 2 महीने से अच्छी वर्किंग में है। वहाँ पे हमारा बड़ा यूनिट है, आपको ये मशीनें बनते हुए भी दिखा सकते हैं, आपको वहाँ पे डेमो भी करा के दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको पसंद आए तो लो, अगर नहीं पसंद आए तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरे को बताओ। किसान भाई आए हुए, इनसे जानकारी लेता हूँ मशीन कैसी लग रही है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। ये मशीन आपके छोटा ट्रैक्टर किसानों के लिए कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया चल रहा है, क्लकती है, मैं देखने आया हूँ और लेना भी है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें आज मनीष जी ने दी, और किसान भाई जी से मैं आपको वीडियो की लास्ट में मुलाकात कराई। और किसान भाई जो लेने का विचार कर रहे हैं पावर वीडर, पावर टिलर, तो किसान भाइयों आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर चले, उन पर संपर्क कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।